नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉफिट प्लानिंग रिटेलर के लिए प्रॉफिट प्लानिंग इज वन ऑफ द की कॉम्पोनेंट्स बिकॉज एक्चुअली इट इज द की ऑब्जेक्टिव और वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिटेलर तो सबसे पहले इस प्रॉफिट प्लानिंग के अंदर जो मेन चीज जिसके ऊपर सारा कुछ डिपेंडेंट है दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं तो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है इट इज एक्चुअली अमरी ऑफ रिटेलर्स रेवेन्यू एंड रिटेलर्स कॉस्ट और उसके एक्सपेंसिस और जब हम इसका अनालिस करते हैं सो दैट अनालस एक्चुअली गिव्स अस कि वो ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिटेलर ने उस रिटेलर ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रॉफिट अर्न किया कुछ लॉस अर्न किया कहाँ पर सिचुएशन बेहतर रही कहाँ पर सिचुएशन ख़राब रही और किस पॉइंट के ऊपर उस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं इस इनकम स्टेटमेंट के या प्रोफिट लॉस स्टेटमेंट के इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एक प्रॉफिट प्लानिंग का जो मेन कॉम्पोनेंट है मार्जिन मैनेजमेंट का उसको रखता हूँ तो हमारे पास एक पिक्चर ऐसे करके बनती है ये पिक्चर हमारे पास एक रिफ्लेक्टिव पिक्चर है इस पिक्चर के अंदर सबसे पहला कॉम्पोनेंट जो नज़र आ रहा है आपको वो नेट सेल्स के हवाले से है नेट सेल्स के हवाले से और नेट सेल्स एक्चुअली क्या है नेट सेल्स है ग्रॉस सेल्स प्लस प्रोमोशनल अलाउंसेस माइनस सेल्स रिटर्न तो किसी भी तरह की रिटर्न जो है वो माइनस कर देंगे तो अगर हम नेट सेल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें ग्रॉस सेल्स में एड करना होगा प्रोमोशन अलाउंसेस को और माइनस करना होगा रिटर्न को तो हमारे पास नेट सेल्स आएंगी नेट सेल्स इज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दूसरी चीज हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से जिसको हम नॉर्मली कॉक्स भी कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है कि मैंने एक प्रोडक्ट आठ रुपए की खरीदी है और मैं उसको दस रुपए की बेचने जा रहा हूं तो दैट एट रुपीज वो आठ रुपए इट्स एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जिसको हम मैंने बताया कि कॉग्स भी कहते हैं तीसरा कॉम्पोनेंट हमारे पास इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का है दैट इज ग्रॉस मार्जिन जिसको हम जीएम भी कहते हैं ग्रॉस मार्जिन एक्चुअली किस तरीके से निकलता है अगर हम नेट सेल्स में से कॉग्स को माइनस कर दें नेट सेल्स में से सी जी एस को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा सो तीसरी चीज ग्रॉस मार्जिन की कैलकुलेशन फिर चौथी बात जो इस मार्जिन मैनेजमेंट के हवाले से ओवरऑल है वो है इज एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस दो तरह के हैं कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो फिक्स नेचर के हैं फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टाफ को कुछ कमीशन देना है कोई इंसेंटिव देना है तो वो एक्चुअली वेरिएबल है बिकॉज वो डिपेंडेंट है बिज़नेस के होने के ऊपर इसी तरीके से कुछ फिक्स कॉस्ट होगी हमारे पास फिक्स एक्सपेंसिस होंगे हमारे जिस तरीके से रेंट है स्टाफ की सैलरीज हैं जो फिक्स सैलरीज हैं उनकी वो डिप्रिसिएशन के एक्सपेंसिज़ हैं ये फिक्स एक्सपेंसिज हैं तो एक्सपेंसिस जो हैं वो कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का अगर हम फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसिस को क्यूमिलेट कर लेंगे तो हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे और लास्ट चीज हमारे पास है नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं बहुत आसान है कि नेट सेल्स जो कि हमारा फर्स्ट कॉम्पोनेंट था उसमें से अगर हम माइनस कर दें नंबर टू को विच इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और उसमें से अगर हम माइनस कर दें अपने तमाम एक्सपेंसेस को विच इज नंबर थ्री ना तो हमारे पास आउटकम निकल के आएगा नेट प्रॉफिट की शक्ल में तो नेट प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है ये मैंने आपके सामने एक उसका एलेबरेट उसको एक तरीके से एलैबरेट किया ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ सके इसके हवाले से ये एक पिक्टोरियल रिफ्लेक्शन है कि ग्रॉस मार्जिन के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो सबसे पहले जिस तरीके से अभी हमने ग्रॉस मार्जिन के बारे में पढ़ा कि जो फर्स्ट चीज़ है वो ग्रॉस सेल्स हैं ग्रॉस सेल्स में से आपको रिटर्न्स को माइनस करना है लेस करना है और जितने भी प्रमोशनल अलाउंस हैं उनको ऐड कर देना है तो अगर आप प्रमोशनल अलाउंसिस को ऐड कर देंगे तो जो आउटकम हमारे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा नेट सेल्स की शक्ल में नेट सेल्स कैसे आई हैं ग्रॉस से सेल्स में से हमने लेस कर दी हैं रिटर्न और हमने प्लस कर दिए हैं प्रमोशनल अलाउंसेस दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है कि उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये थी नेट सेल्स दस रुपए की और कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्ड उस प्रोडक्ट की आठ रुपए उसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करने लगा हूं तो हमारे पास एक्चुअली जो हमने मार्जिन अर्न किया दो रुपए का वो मार्जिन है ग्रॉस मार्जिन जो कि एक्चुअली एक बहुत सिंपल रिफ्लेक्शन आपको यहां नजर आ रही है नेट सेल्स में से मैंने डिडक्ट कर दिया माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को तो आउटकम ग्रॉस मार्जिन की शक्ल में हमारे पास नज़र आ गया बाज़ लोग बाज़ग के ऊपर हम ग्रॉस मार्जिन को ग्रॉस प्रॉफिट के तौर पर भी कहते हैं और इसको एक्चुअली कहा जाता है कि ये वो प्रॉफिट है जो कि आपने मर्चेंडाइज को या गुड्स को सेल करने के बाद आपने अर्न किया है जिसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि, कि कोई चीज़ आपने आठ रुपये की लेकर आठ रुपये की खरीद कर दस रुपये की सेल कर दी है तो उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ एक्चुअली ग्रॉस मार्जिन हाउ वी कैन इंक्रीज और वी कैन मेंटेन दिस मार्जिन इसके बहुत सारे मेथड्स हैं बहुत सारे कार हैं लेकिन जो जनैरिक हैं वो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है यू डी टू पे अ लोअर प्राइस टू द वेंडर बेहतर निगोसिएशन करें उस सप्लायर से उस वेंडर से जिससे हम प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं बाय कर रहे हैं परचेस कर रहे हैं उसके साथ बेहतर निगोसिएशन जितनी होगी उतना ज़्यादा हमारा मार्जन जो है वो इम्प्रूव होगा इसी तरीके से चार्ट कस्टमर अ हायर प्राइस ये कोई बहुत बेहतर या रिकमेंडेड तरीकेकार या स्टेप नहीं है अपने मार्जिन को इंक्रीज करने का क्योंकि आज के दिन में कम्पटिव प्राइसिंग का दौर है कंपटीशन बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है तो उस सूरत में एक ज्यादा हायर प्राइस चार्ज करके यू कैन लूज कस्टमर लॉयल्टी लेकिन स्टिल इज वन ऑफ द मेथड या आप हायर प्राइस चार्ज करके भी अपने मार्जन्स को इंक्रीज कर सकते हैं या मेनटेन कर सकते हैं थर्ड हमारे पास है रिड्यूस प्राइस कॉम्पिटिशन आप इस तरह के प्रोडक्ट ले आए जो कि एक्सक्लूसिव हो या इस तरह के ब्रांड वेरियंट से रिड्यूस करवा दें जो कि शायद आपके अपने हो विच इज योर ओन ब्रांड अच्छा इस सूरत पे ये होगा बिकॉज दे विल बी नो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ योर प्रोडक्ट तो अगेन आपका कॉम्पिटिशन से की, बदौलत आई यू कैन अर्न बेटर मार्जन आउट ऑफ इट और लास्ट हमारे पास जो मेन पॉइंट है दैट इज़ रिड्यूस्ड रिटेल कॉस्ट आपकी जो कॉस्ट है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो फ्लोर के ऊपर कॉस्ट है उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं वो करने से भी आपकी जो बेहतर लेट्स से एक्टिविटी बेस्ड मॉडल यूज़ कर लें डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल के ऊपर चले जाएं इन दोनों तरीक़ों से आप यू कैन इंक्रीज योर ग्रॉस मार्जन्स और एटलीस्ट यू कैन मेंटेन देम फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो हमारे पास एक ग्रॉस मार्जिन की एक एग्जाम्पल हमारे पास सामने आ गई तो ग्रॉस मार्जिन की एग्जाम्पल के अंदर दो स्टोर्स दो रिटेलर्स की एग्जाम्पल मैंने यहां मैंशन की हुई है एक मैकेज और एक कॉस्को दोनों टॉप स्टोर्स में से आते हैं टॉप रिटेलर्स में से आते हैं इनके ग्रॉस मार्जिन की क्या पिक्चर नजर के नजर आती है हमारे सामने तो सबसे पहली पिक्चर जो हमारे पास है वो ग्रॉस मार्जिन के हवाले से है कि ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूलेशन क्या है तो ग्रॉस मार्जिन का जो परसेंटेज फार्मूला है दैट इज ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट सेल्स ये फार्मूला आपके सामने मैंशन है तो रिटेलर क्या करता है वो चेक करता है कि मेरी ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज क्या है सबसे पहला स्टेप फार्मूला ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट सेल्स तो दो रिटेलर का कंपैरिजन यहां मौजूद है मैकिस का और कॉस्कोस का तो नज़र आ रहा है कि सेल्स से डिवाइड कर दिया ग्रॉस मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स करके मेरे पास आउटकम नज़र आ गया तो मैकीज का ग्रॉस मार्जिन इज 39.9 परसेंट और कॉस्को का 12.3 परसेंट ग्रॉस मार्जिन मेरे पास सामने आ गया तो बज़ाहरा इट लुक्स लाइक के जो मैकीज़ है एज ए रिटेलर वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन क्या ऐसा होगा क्योंकि इट इज़ ओनली द फर्स्ट पार्ट ग्रॉस मार्जिन जो है वो पहला कॉम्पोनेंट है अभी इसमें से एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए हैं और ऐसा लग रहा है इस पिक्चर को देख के कि कॉस्को लेस प्रॉफिटेबल है और मैकिस ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो अभी हमने देखना है कि क्या वाकई प्रॉफिटेबिलिटी इसी तरीके से मेंटेन रहेगी या इस एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर जो हमें हेल्प करेगी पूरी पिक्चर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम थर्ड कॉम्पोनेंट की तरफ आते हैं विच इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस तो सबसे पहला कॉम्पोनेंट हमारे पास नेट सेल्स की कैलकुलेशन का था फिर हम ग्रॉस मार्जिन की कैलकुलेशन के ऊपर आए ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के ऊपर आए और अब तीसरे कॉम्पोनेंट की तरफ जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस कह रहे हैं सो so, रिटेलर अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को भी कैलकुलेट करता है कि उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस उस बिजनेस को ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस कितने हैं तो अगेन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं तो आपके सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हर तरह की डिप्रिसिएशन मोटाइजेशन ऑफ एसेट्स इन सबको अगर हम क्लब कर देते हैं सम कर देते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे तो रिटेलर क्या कैलकुलेट करता है रिटेलर कैलकुलेट करता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की परसेंटेज जो कि यहां मैंशनड है आपके पास फार्मूला क्या है फॉर्मूला बड़ा सिंपल है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स नॉर्मली आप जितने भी इनकम स्टेटमेंट के हवाले से एनालिसिस देखेंगे वो सब ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स हैं तो उसकी बेस जो है दैट इज नेट सेल्स तो अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की बात करें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की परसेंटेज क्या होगी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स तो हमारे पास निकल आएगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस की परसेंटेज दोनों एग्जांपल्स हमारे पास हैं उन्हीं दोनों रिटेलर की मैकिस की भी और कॉस्को की भी तो मैकिस के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस हैं वो थर्टी आ रहे हैं और कॉस्को के नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट नाउ दिस इज अ डिफरेंट पिक्चर अगर आप मार्जिन के हवाले से देखेंगे तो मैकीज मार्जिन ग्रॉस मार्जिन भी बहुत हाई कमा रहा था बहुत हाई अर्न कर रहा था लेकिन ऑन दी अदर साइड उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आर ऑल्सो वेरी हाई तो अब कुछ पिक्चर क्लियर होती नजर आ रही है कि क्या मैकी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा या कॉस्को होगा क्योंकि कॉस्को की ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी मच इन कंट्रोल अगर आप देखते हैं उसके मार्जनस के कम्पेरिजन में तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को डिटेल से अगर मैं स्टडी करना चाहता हूं क्योंकि एक रिटेलर कैलकुलेट करता है तो हमारे पास ये तीन तरह की टाइप्स नज़र आती हैं रिटेलर के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की सबसे पहली टाइप हमारे पास है सेलिंग एक्सपेंसेस की दूसरी टाइप है जनरल एक्सपेंसेस की और तीसरी टाइप है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस की जब हम बात करेंगे सेलिंग एक्सपेंसिस के हवाले से तो जितने भी स्टाफ की सैलरीज प्लस कमीशन प्लस उनके इंसेंटिवस प्लस बेनिफिट्स ये सारे जो है वो सेलिंग एक्सपेंसिस के अंदर आएंगे ये पार्ट आएगा सेलिंग एक्सपेंसिस के अंदर जनरल एक्सपेंसिस की अगर हम बात करेंगे तो जितनी भी रेंट यूटिलिटीज मिसलिनियस एक्सपेंसिस और जितने अदर एक्सपेंसिस आ रहे हैं वो सारे जनरल एक्सपेंसिस के अंदर पाक हो जाएंगे फिर अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस के हवाले से सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस में वो तमाम लोगों की सैलरीज जो कि सेल्स पर्सन नहीं है प्लस ऑपरेट ऑपरेशन के लोग प्लस बाइंग के लोग जो डायरेक्टली सेल्स के लोग नहीं है नॉन सेल्स के लोग एड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव जो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उन सब की सैलरीज उन सब की बेनिफिट्स अगर कोई हैं दे आर एक्चुअली वो कंसिडर किए जाते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे इन तीनों तरह के एक्सपेंसिस को इकट्ठा एक करेंगे एक्यूमलेट करेंगे और फिर हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे फौरन हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं क्योंकि अब हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल लिए हैं अब टाइम है हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट करने का तो प्रॉफिट प्लानिंग के अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास एरिया है वो है नेट ऑपरेटिंग मार्जिन हमने डिस्कस कर ली सेल्स ग्रॉस मार्जिनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अब हम आ गए हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर नेट ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट करने का बड़ा आसान फार्मूला है और इसी की इलेब्रेशन यहाँ पर की गई है इस पैराग्राफ के अंदर तो सबसे पहले हमारे पास बहुत सिंपल ग्रॉस मार्जिन में से आपने माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर हम माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर दें नेट सेल्स के ऊपर तो हमारे पास निकल आएगी नेट ऑपरेटिंग इनकम तो नेट ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज कैसे निकलिए हमारे पास ग्रॉस मार्जिन में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दिया है अब मेरे पास दो तरह के एग्जाम्पल्स आ, आ गई हैं मैकिस की भी और कॉस्को की भी एंड यू कैन ईजीली कैलकुलेट द वैल्यू मैकिस की ऑपरेटिंग इनकम नज़र आ रही है मुझे सिक्स पॉइंट एट वन परसेंट और कॉस्को की टू पॉइंट सेवन जीरो परसेंट की नेट ऑपरेटिंग इनकम मुझे नज़र आ रही है तो बड़ा सिंपल फार्मूला था मैंने ग्रॉस मार्जिन में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को माइनस किया और डिवाइड कर दिया नेट सेल्स के ऊपर तो मेरे पास फाइनल पिक्चर निकल के आ गई जो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की पिक्चर थी जिसके अंदर हमने बहुत सिंपल सा काम किया कि हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रॉस मार्जिन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्सेस इन सबको माइनस कर दिया तो मेरे पास नेट प्रॉफिट की पिक्चर निकल के आ गई तो एक्चुअली अगर आप देखते हैं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट की जब मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स क्योंकि बेसिस जो है वो सेल्स ही है तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स मेरे पास परसेंटेज निकल के आ गई है नेट प्रॉफिट की परसेंटेज तो दोनों रिटेलर्स की अगर आप देखेंगे तो मैकीज नेट ने ने प्रॉफिट अर्न किया थ्री का और कॉस्को ने नेट ने प्रॉफिट अर्न किया वन का तो एक्चुअली मैकीज़ वॉज मोर प्रॉफिटेबल और कॉस्को वॉज लेस प्रॉफिटेबल अगर हम बात करते हैं इस पूरे जर्नी के हवाले से समराइज करता हूं मैं अपनी इस लास्ट स्लाइड के अंदर ये पूरी इनकम स्टेटमेंट जो अभी हमने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की है इसके ऊपर पूरा रिफ्लेक्शन मौजूद है स्टार्टिंग फ्रॉम दी नेट सेल्स गोज अप टिल नेट प्रॉफिट तो रिटेलर ने अपनी प्रॉफिट प्लानिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट को स्टडी करना है जो कि मेजर कॉम्पोनेंट है आपकी प्रॉफिट प्लानिंग के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम नेट सेल्स ग्रॉस मार्जिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड देन ऑपरेटिंग इनकम और देन लास्ट पे आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स